हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक वंस अगेन विद वन मोर न्यू वीडियो। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं नेचर की बहुत ही हसीन वादियों से। और यही मैं आशा करता हूँ कि इन हसीन वादियों को आप लोगों के लिए स्पेशली जिस तरह से कैप्चर किया है तो आप लोग भी इन्हें लाइक करेंगे। हमारे आज के ब्लॉग में यूं ही कंटिन्यू बने रहिएगा। आज आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन डिशेज प्रियंका। तो आज तो खाने में मज़ा आ गया, तो चलिए देखते हैं क्या क्या बनाया था प्रियंका ने। तो कैसी है मेरी प्यारी YouTube फैमिली, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सर्दियों में बनने वाली स्पेशल डिश। तो ये है सरसों का साग जो हमारे अपने खेतों का है। तो ये पापा जी ने क्यारियों में लगाया हुआ था और ये अब काफ़ी बड़ा हो गया है। और अपने घर का सब्जियों का टेस्ट ही कुछ अलग होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए बहुत ही प्यारे इसके पत्ते हैं और खाने में भी ये सरसों का साग बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसको पहले मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और फिर धो करके इसको अच्छी तरह से काटना पड़ता है, बिल्कुल बारीक बारीक। तो जैसे मैं यहाँ पर काट रही हूँ तो कोई इसको चाकू की सहायता से भी काट लेता है और कोई दराती से भी। तो यहाँ पे मैं इसको चाकू से ही काट रही हूँ क्योंकि इसके पत्ते अभी बहुत ही ज़्यादा मुलायम हैं। तो शाम को ही मैंने ये साग बनाकर रख दिया था, फिर सुबह मैंने इसको तड़का लगाया। तो इस तरह से अगर आप साग बनाओगे तो ये साग बहुत ही टेस्टी बनेगा। और साथ में सरसों के साग के साथ अगर मक्की की रोटी मिल जाए तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो इसकी रेसिपी मैं आपको पूरी बताऊंगी कि इसको किस तरह से बनाना है। तो अच्छी तरह से पहले सरसों के साग को धो लेना है और उसके बाद अच्छी तरह से इसको काट लेना है, बिल्कुल बारीक बारीक। तो यहाँ पे मैंने वही किया। उसके बाद एक झलक दिखा देती हूँ, ये है पपीता। तो ये भी हमारे गांव वाले घर में एक पेड़ है तो वहाँ पे लगा हुआ है। तो ये इस तरह का है, गोल आकृति वाला, और ये भी बहुत टेस्टी होता है। अगर चाहे आप इसकी सब्ज़ी बनानी है तो सब्ज़ी बना सकते हैं, अगर इसके परांठे बनाने हैं तो परांठे भी बन जाते हैं। तो मुझे तो इसके परांठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो साथ में चला हुआ है रोटी का काम भी। तो यहाँ पर मैंने कुकर में दाल चढ़ा दी है तो ये दाल भी हम लोग बनाएंगे। तो जैसे ही मेरा साग अच्छी तरह से कट गया तो मैंने इसको पतीले में डाल दिया है उबालने के लिए। तो सबसे पहले साग इस तरह से उबालना पड़ता है और अब हमने इसमें थोड़ा सा और मटेरियल डालना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सरसों का साग हम लोग किस तरह से बनाते हैं। तो जैसे ही मैंने साग को पतीले में डाला अच्छी तरह से तो फिर अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक और साथ में एक चीज़ जो इसमें ज़रूर पड़ती है वो पड़ती है चावल। तो चावल का साग हम बनाएंगे। तो ये चावल हमारे अपने घर के हैं जो भी हमने अभी धान वगैरह काट करके रखे हुए थे और इनका टेस्ट बहुत ही अलग सा आता है और बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो चावल, नमक और मेथी, जो जो आपके पास मसाले होंगे वो आपने इसमें डाल देने हैं। और याद रखिए इसमें आपने हींग ज़रूर डालना है। तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है और थोड़ा सा आपने इसमें पानी डालना है और इसको अब अच्छी तरह से पका लेना है। तो ये देख लीजिए मेरा साग बनकर तैयार हो गया है। अब हमने इसको सिर्फ तड़का लगाना है। तो तड़का मैंने देसी घी में ही लगाया है इसको। तो इस तरह से देख लीजिए, शाम को ही साग मैंने बनाकर रख दिया था और सुबह जब आप इसको तड़का लगाएंगे तो ये दुगना स्वादिष्ट स्वाद देगा। तो इस तरह से मैंने इसको बनाया और बहुत ही टेस्टी बना हुआ था ये साग, सच बताऊँ तो। तो ये हमारे सर्दियों के सीज़न का पहला साग है तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बना हुआ था और देसी घी में बनाने का इसका और ही मज़ा होता है। तो
तो सरसों के साग के साथ मैंने बनाई थी मक्के की रोटी, और सच बताऊँ तो पहली बार ये रोटी मेरे से बहुत ही अच्छी बनी थी, तो देखने में भी अच्छी लग रही है और फुली फुली सी रोटी बनी। तो ये पापा ने अपनी ही चक्की में पीसा हुआ है आटा मक्की का। तो आप सभी को पता है कि धान मक्की गेहूँ ये सब हमारे अपने ही घर के होते हैं और उनका अपना ही टेस्ट होता है। अगर ये अपने घर के हों तो बहुत टेस्टी बनती हैं ये सब चीज़ें। तो आज सवेरे सवेरे ब्रेकफास्ट में मक्की की रोटी और सरसों का साग बना हुआ था। तो किचन में तो मैंने आपको बता दिया कि किचन में हमारे यहाँ पे आज क्या क्या बना हुआ था, साथ में आपको दिखा देती हूँ वातावरण भी। तो वातावरण बहुत ही सुंदर बना हुआ है, हमारे घर के आसपास जो एरिया है बहुत ही सुंदर है। तो आजकल खेतों का काम भी चला हुआ है, तो हमारे घर की ऊपरली साइड जो कि आपको मैंने पिछली बार घर दिखाया था, तो वहाँ पर खेतों का बिजाई का काम स्टार्ट हो गया है। तो ये है ट्रैक्टर, ये बिल्कुल हमारे ट्रैक्टर के जैसा ही है। तो ये एक गांव में हमारे भाई हैं, उनके पास ये ट्रैक्टर है। तो पतिदेव भी चले गए थे यहाँ पे, तो चेक कर रहे थे कि ये ट्रैक्टर बिल्कुल हमारे ट्रैक्टर के जैसा है या नहीं। तो बिल्कुल देखा तो उसी कंपनी का है और उसी का देखने में पूरा डिज़ाइन है। तो आजकल खेतों के काम इन हल्के हल्के ट्रैक्टरों ने पूरे कर दिए हैं, जो भी बैल वगैरह है उनको कोई भी काम नहीं छोड़ा है। तभी लोगों ने देख लीजिए, आपने देखा ही होगा रास्ते में बैल वगैरह को ऐसे आवारा छोड़ दिया है, परंतु ये बहुत ही गलत बात है, इनको ऐसे नहीं छोड़ना है। तो अभी हम लैंटर के ऊपर आ गए हैं यहाँ पर धूप सेकने के लिए, और यहाँ पर चला हुआ है कुछ काम। तो पूछते हैं प्रियंका से कि क्या यहाँ पर किचन में तो बहुत सारी डिशेज बन रही थी, तो ये कौन सी डिश बन रही है यहाँ पर? ये खाने वाली कोई भी डिश नहीं है, लगाने वाली डिश है। तो ये क्या बन रहा है? ये मेहंदी लगानी है, मैंने अपने बालों में, मेरे सारे बाल वाइट हो गए हैं, बहुत दिनों से मैंने मेहंदी नहीं लगाई हुई है, तो मेहंदी लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है मेरे बालों में। अच्छा, तो इसमें मैंने बहुत सारा मटेरियल डाला हुआ है। तो क्या क्या डाला हुआ है? नीम पाउडर, शिकाकाई, रीठा और आंवला पाउडर, तो बहुत सारी चीज़ें डाली हुई मैंने। अच्छा। तो इससे बालों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो पहले बचपन में तो क्या, जब मैं कॉलेज टाइम में पढ़ती थी तो मैंने बालों में मेहंदी लाना स्टार्ट कर दिया था ना लगाना, तो उसका नतीजा आज मुझे भूख इतना पड़ रहा है। और वैसे भी अब थोड़े से दिनों के बाद मुझे अपने मायके भी जाना है, तो कहीं मेरी मम्मी ऐसा ना बोले कि इसके बाल वाइट हो गए तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अपने बालों की बड़ी ऐसा बना लूँ मैं, फिर तब जाऊँगी। तो ये घोल रही है प्रियंका यहाँ पर मेहंदी को अच्छे ढंग से, और आप लोगों को एक झलक दिखा दूँ नीचे की। तो अभी हम यहाँ पे हैं लंटर के ऊपर, और ये सड़क, और ये सामने वो खेत हैं जहाँ पे मैं ट्रैक्टर को चला रहा था। तो ये पूरा का पूरा खेत देखिए, बीज दिया है हमने गेहूँ इसमें। यहाँ पर हो गई है मेहंदी लगना स्टार्ट, तो अभी तो हाथों से ही काम चला हुआ है यहाँ पर, अपने हाथों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब नीचे तो हम जाना नहीं चाहते यहाँ से। तो प्रियंका हाथों से ही लगा दी है मेहंदी। अब मैंने एक मिनट में हुआ मेहंदी लगा दी, और देख कितना ज्यादा कलर आ गया हाथों। तो हाथों से ज्यादा कलर आना चाहिए बालों में। अपना काम खुद ही करना पड़ता है, जैसे दूसरे के सहारे थोड़ा बैठना पड़ता है। अगर मैं ऐसा लग जाऊं कि मेरे पतिदेव मेरे बालों में मेहंदी लगा देंगे, तो ये तो मेरा सोचना बहुत गलत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अपना कार्य मुझे खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके भरोसे बैठो तो लग जानी है, तब तक तो और वाइट हो जाने बाल। तभी तो मैं अपने सभी के सभी व्यूअर्स को बोलता हूँ कि अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए और अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, और हार नहीं माननी चाहिए। सभी काम हो जाते हैं, सिर्फ अपने अपने अंदर बिलीव होना चाहिए बंदे के अंदर,
तो आप लोग देख सकते हो प्रियंका ने भी अपने ऊपर भरोसा रखा और मेहंदी भी लगने ही वाली है। जब आपको पड़ेगी ना किसी चीज की जरूरत है तब आपको भी अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग की कर रहे हैं यहीं पे एंडिंग। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा और अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए और सब्सक्राइबर दिलवाइए हमारे चैनल पर ताकि हमें भी कभी ना कभी सिल्वर मेडल मिले यूट्यूब वाला। तो एंडिंग कर रहा हूँ यहीं पे इसी के साथ और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ पे भी रहिएगा सुरक्षित रहिएगा और अपने छोटे छोटे जो भी बच्चे हैं घर पे उनको पढ़ाइएगा घर पे ही, क्योंकि अभी ये जो कोरोना है पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है और जो गवर्नमेंट है 2 दिन स्कूल लगाती है और उसके बाद स्कूल को शट डाउन कर देती है। तो बाय बाय, टेक केयर।